शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती, मैं चैलेंज करता हूँ। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा अपनी अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहे? कोई कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज किए ये इसने? मैं इमिडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया, आपने देखना देखा सबने। तो ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में, जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपथी लूंगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरे खा खा के बॉलीवुड में आई हूँ। आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शो, रियलिटी शोज बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूँ। मैं जहाँ जाती कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती, कॉन्ट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था। मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा है। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि वो फराह खान को नहीं, भाई सलमान से कभी नहीं मिला, उसने कल बोला। पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था, आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के कैसा है ध्यान रखना ऐसा बोला था भाई ने, पूरे अवाम के सामने। नहीं नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो। हाँ, आईफा से ले लो, आईफा की आप आईफा से वीडियो ले लो, आईफा अगर दे दे तो ले लो। हाँ, उनके वीडियो, उनके पास वीडियो है। अच्छा, राखी अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज़ ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी आप उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया जो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली, तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सलमान? पहली बात तो आप सोचिए, पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थे, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर, आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम, और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिस कैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिस कैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिस कैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर के वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है, और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में, 420 के 8, कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस, उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया, क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है, तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल, स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, शादी, तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं, नल्ले नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना, तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा, तूने शॉर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो।
बच्चा है क्या? तो सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता है क्या? सो के बाद उठने के बाद एक मिनट बेटा सो के उठने के बाद क्या वो अपने सेंसेस में नहीं होता है क्या? होता है ना। और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है। उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरे मिस कह रहे, जो हुआ ये हर चीज़ का है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। मैंने फाल्गुनी तब मैं अब मैं जा रही हूँ, तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा दो बार, दो वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूं, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूं, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है, ऐसे लोग। चलो पूछो भाई, एक मिनट, आप सबका क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, इधर से आने, सारे सवाल एनबीटी करेगा क्या? राखी मैडम, इस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगी तलाक देकर आदिल को? पूछने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछो तो मेरे पास उसने मुझसे पहली बात, उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हम मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया, हाँ किया ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनके इनके इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है राखी, आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था। एक मिनट मैं पूछ लूं, मैं पूछ लूं भाई, रिलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं मैं, आपके सारे जवाब देती हूं। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7-8 लाख रुपए खर्चा करता था, एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको, तकरीबन दुबई मॉल में बहुत सारी मैं जो सवाल पूछूंगा वो तमाम कैमरे में आएगा। राखी, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्स एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन, गबाना, गुची और क्या, लुई वितोन और मोब्लैंक, मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा, एक मिनट, मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है। नहीं चलता था क्या? नहीं। अच्छा पैसा मैं भरती थी। अच्छा वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया, 25 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। रिजवान भाई डैन्यूब दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ, जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे आप उसमें 6-6 महीने का, देखो आप क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा राखी, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। एक मिनट, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। हम लोग अवार्ड नाइट वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता, 2 लाख रुपया ले लेता था एक अवार्ड दिलाने का, क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू थू करेंगे,
तो तू मैं ये नकली हार लेता हूँ जो के 2000 दराम का था। 2000 दराम कितना होता है? 2000 दराम आज की तारीख में, आप मेरे साथ उस शॉप में चलिए दुबई में, मैं जाऊंगी इस बार वहां से, फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दराम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ। राखी उसने गाड़ी भी दी, BMW गाड़ी दी गिफ्ट। उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है, मैं ऑटो में घूमती हूँ। उन इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है वो। आदिल खान दुरानी गरीब है। अरे अभी तो लॉन्च होना यशराज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता है तुझे ये कॉन्ट्रोवर्सी करके, मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको बेचती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर, रणवीर को रिप्लेस करेगा बोलता ही है। मेरे पास पूरे ऑडियो है, मैं सबको बेचती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं पुलिस में जा रही हूँ। मैंने बोला था पहले भी आपको, सबको बोला था पुलिस में जा रही हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वहां पे ईरानी ने, तो इसने बोला आई लव यू जाना, मैं तो राखी को, आई एम लिविंग राखी इन दिसंबर, आई हैव ऑल द आइडियाज। उसने कहा कि यू मैरिड टू हर, ओह दिस इज अ फेक ब्लडी हेल मैरिज, आई वांट अ वाइफ लाइक यू। मैंने सबको भेजा है, सबको भेजा है। तो सलमान खान को भी लेकर एक दिन शूटिंग करेंगे, राखी विल कन्वेंस, ये सब भी मेरे हाथ में वीडियो कुछ बातें हो रही है। उसने सब झूठ बोला है। कल के और कोई आरोप बचे हैं आदिल के? क्या आरोप? मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए, उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया है। अभी आप पूछो, आप पूछो। हाल हाल एक मिनट, आराम से आप पूछिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। 30,000 ना, जब मैं बिग बॉस में गई थी उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी।